सीतापुर के महमूदाबाद और पहला ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ इस समय अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा, पार्टी के जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, महमूदाबाद की विधायक आशा मौर्या ने पूरी रणनीति बना ली है कि इस बार समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुखों का तख्ता पलट करना है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से भी उसे बचाने के लिए हर जतन किए जा रहे हैं। पार्टी की ओर से दो विधायकों का प्रतिनिधिमंडल पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा के आवास पर पहुंचा हुआ है और इसके अलावा जिले के प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी इस समय ब्लॉकों में भ्रमणशील हैं, मुस्तैद हैं। और आपको बता दें कि जो प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का आया हुआ है उसने आई इंडिया से खास बातचीत की हुई है। तो क्या कुछ चल रहा है ब्लॉकों पर इस समय, तो हम सीधे चलते हैं आपको लेकर महमूदाबाद के आई इंडिया के संवाददाता आयुष जैन के पास। आयुष, जरा सा बताइए एक एक कर दोनों ब्लॉकों का हाल कि वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, कितने बीडीसी सदस्य हैं और कितने अब तक अंदर जा चुके हैं, सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से क्या कुछ हो रहा है और दोनों पार्टियों की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है। जी पंकज, मैं आपको बताऊं कि महमूदाबाद और थाला ब्लॉक के हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आज अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक नहीं है। दोपहर में मतदान की जो समय है वो निर्धारित किया गया है। तय कार्यक्रम के मुताबिक जो सुबह 11 बजे से महमूदाबाद और पहला दोनों ब्लॉकों में अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। महमूदाबाद ब्लॉक में जो अनीता वर्मा है बीडीसी, उनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और पहला ब्लॉक में जो वर्मा पूर्व ब्लॉक प्रमुख है उनके द्वारा मौजूदा ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया था। जिसके बाद जो बैठक है उसकी तिथि भी जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन शासन द्वारा जिसमें संशोधन किया गया था जिला पंचायत अधिनियम और क्षेत्र पंचायत अधिनियम में, जिसके बाद डीएम ने जो पूर्व तारीख थी वो निर्धारित कर दी थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज 29 अक्टूबर को महमूदाबाद और पहला दोनों ब्लॉकों में समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुखों के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर बैठक और गुप्त मतदान की जो तिथि है वो निर्धारित की गई थी। शासन के मिले निर्देश के बाद, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली थी और इसी के तहत आज सुबह 11 बजे से महमूदाबाद में और पाला में अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक शुरू हो गई है। महमूदाबाद ब्लॉक की अगर मैं बात बताऊं तो महमूदाबाद ब्लॉक में 83 बीडीसी सदस्य हैं, जिसमें से 68 बीडीसी सदस्य जो मिली जानकारी के मुताबिक 68 बीडीसी सदस्य इस समय मीटिंग हॉल में मौजूद हैं और वो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। इसी तरह महमूदाबाद में जो बैठक के पीठासीन अधिकारी हैं वो एसडीएम बिस्मा पीएल मौर्या को बनाया गया है। जो कानून व्यवस्था की दृष्टि के जो एडिशनल एसपी दक्षिणी एनपी सिंह है वो मुस्तैद हैं। सीओ महमूदाबाद रविशंकर प्रसाद की ड्यूटी लगाई गई है। जो ब्लॉक प्रमुख के जो ब्लॉक मुख्यालय का गेट है वहां पर सख्त पहरा लगाया गया है। बड़ी संख्या में कई थानों का जो पुलिस फोर्स है वो तैनात कर दिया गया है। जो बीडीसी सदस्य आ रहे हैं उनको 3 लेयर की चेकिंग से गुजरना पड़ रहा है। जो ब्लॉक को जाने वाला मार्ग है उस पर चौपहिया वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है, मोटरसाइकिलों का भी प्रवेश बंद कर दिया गया है। बीडीसी सदस्य और जो जिनके आईडी कार्ड हैं और जो ब्लॉक कर्मचारी हैं उनको 3 लेयर की सुरक्षा के बाद ही ब्लॉक परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है। सीओ महमूदाबाद रविशंकर प्रसाद खुद पूरी सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो एसओ रेउसा हैं मुकुल प्रकाश वर्मा, उनको ब्लॉक मुख्यालय के ठीक गेट पे तैनात किया गया है। उनके हाथ में बीडीसी सदस्यों की लिस्ट दी गई है जो आई कार्ड और फोटो युक्त पहचान पत्र से मिलान करने के बाद ही बीडीसी सदस्यों को अंदर जाने दे रहे हैं। फिलहाल जो अभी तक जानकारी है 68 बीडीसी सदस्य अंदर मौजूद हैं जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। पूरी जो कठिन एक चेकिंग प्रक्रिया है उससे गुजरने के बाद ही ब्लॉक में प्रवेश दिया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे की पूरी निगरानी की जा रही है। अब अगर पहला की बात करें तो यहाँ भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। चूंकि पहला में काफी संवेदनशील मामला हो जाता है, पिछली बार जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ तब महज सपा और भाजपा में एक मत का ही अंतर रह गया था, जिसके बाद जो पूर्व प्रमुख हैं प्रवीण वर्मा उनके द्वारा विश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था, आज उस पर बैठक हो रही है। पहला ब्लॉक में जो ब्लॉक के बाहर सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ पर एडिशनल एसपी बार बार मुआयना कर रहे हैं, वो फोन और वायरलेस के माध्यम से भी हालचाल ले रहे हैं। महमूदाबाद ब्लॉक में पीठासीन अधिकारी के रूप में एसडीएम
महमूदाबाद मिथिलेश कुमार त्रिपाठी मौजूद हैं। एसडीएम कानून व्यवस्था के लिए एसडीएम मिश्रिक अनिल कुमार सिंह को लगाया गया है, जो पूरी जो व्यवस्था है उसको देख रहे हैं। सीओ सिधौली यादवेंद्र यादव पूरी तरह से मुस्तैद हैं। इसके अलावा थाना अध्यक्ष रामपुर कला और चौकी इंचार्ज सरैया पुलिस और दलबल के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। LIU और जो इंटेलिजेंस की टीमें हैं वो भी बार बार दौरा कर रही हैं। बिल्कुल, तो ये है आंखों देखा हाल महमूदाबाद और पहला ब्लॉकों का, जहां पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक चल रही है। 2 बजे के बाद मतदान शुरू होगा और उससे पहले का नजारा आई इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि महमूदाबाद में मुकेश वर्मा समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके विरुद्ध अनीता वर्मा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। जबकि पहला की अगर बात करें तो पहला में समाजवादी पार्टी के अजय यादव इस समय ब्लॉक प्रमुख हैं और उनके विरुद्ध पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रवीण वर्मा, जो एक वोट से पिछली बार हार गए थे, उनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। और हाई कोर्ट के आदेश के बाद यहां पर आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक तो हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का जो मतपेटियों में मतदान होगा वो तब तक नहीं खुलेगा जब तक हाई कोर्ट का अग्रिम आदेश नहीं आ जाएगा। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि तब तक डबल लॉक में तिजरी कार्यालय में मतपेटियों को जमा किया जाएगा और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी NP सिंह के अलावा जो COs हैं, SOs हैं और SDM ये मुस्तैद हैं यहाँ पर। अभी तक सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भाजपा के जिला अध्यक्ष सचिन मल्होत्रा पहला में मौजूद होने बताए जा रहे हैं, जबकि सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा और महमूदाबाद की जो विधायक हैं आशा मौर्य महमूदाबाद गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। पल पल की नजरें गड़ाए हुए हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसे कितनी गंभीरता से ले रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इस पूरे प्रकरण को लेकर कई आरोप भी जड़ रही है और चूंकि समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है वो यही इलाका बचा है और सीतापुर में अगर बात करें 19 विकास खंडों में 16 पर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख काबिज थे, सिर्फ बचे 2 ब्लॉक प्रमुख थे वो महमूदाबाद और पहला के, जहां पर समाजवादी पार्टी के काबिज थे, उन्हें हटाने के लिए पूरी एड़ी से चोटी का जोर जो है भारतीय जनता पार्टी ने लगाया हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी इसे रोकने के लिए फिर एक बार कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की ओर से 2 विधायकों का प्रतिनिधि मंडल जो पड़ोसी जनपद है बाराबंकी, वहां से सदर के विधायक सुरेश यादव और दूसरे गौरव रावत, ये पहुंचे हुए हैं पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा के आवास पर और वहीं से पूरी जो है इस पर निगरानी रखे हुए हैं और उन्हें आशा है कि कोर्ट से जरूर उन्हें न्याय मिलेगा। उन्हें अभी भी विश्वास है कि उन्हीं का पलड़ा यहाँ पर भारी है। और जब ये पहुंचा प्रतिनिधि मंडल तो हमारे जो संवाददाता हैं महमूदाबाद के आयुष जैन, इनसे बातचीत भी की है उनके आवास पर, तो सबसे पहले हम आपको सुनाना चाहेंगे जो बाराबंकी सदर से सपा के विधायक हैं सुरेश यादव, उनका क्या कुछ कहना है आइए सुन लेते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह विशेषाधिकार है कि हम सबसे किससे काम लेना चाहते हैं वो उन्हीं के ऊपर हम लोग छोड़ते हैं, वो उनका अधिकार है, जहाँ जिसको भेजेंगे हम लोग स्वयं जाएंगे और उनके आदेश का अक्षर से पालन करेंगे। आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं बाराबंकी से सदर से सपा के विधायक सुरेश यादव। अब हम आपको और दूसरे सपा के एक अन्य विधायक गौरव रावत, ये भी बाराबंकी से आए हुए हैं, इनका क्या कुछ कहना है इसको भी सुन लेते हैं। किस तरीके का ये आरोप लगा रहे हैं, किस तरीके से इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अपना पक्ष रख रहे हैं, इनको सुनते हैं। देखिए, हमारा ज्यादातर नगर पालिका और नगर पंचायतों पे हमारे ही प्रतिनिधि हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व है और हमारी पार्टी के और हमारे जितने भी चाहे क्षेत्रीय हों चाहे नगर निकाय के भी हर बूथ से लेके और हर वार्ड तक की तैयारी है और हम बेहतर रिजल्ट हर बार की तरह पुनः पुनरावृत्त होगी और अब की बार भी हमारा जो नगर निकाय चुनाव में भारी बहुमत से हमारी समाजवादी पार्टी जीतेगी। इसके बाद अब पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा जो खुद तो चुनाव हार गए लेकिन अपने इलाके में सपा के 2
ब्लॉक प्रमुखों को जिताने में वो सफल रहे थे और उनकी कुर्सी बचाने के लिए वो लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे हैं। पिछली बार भी वो सामने आए थे और इस बार भी मुस्तैदी से लगे हुए हैं और उन्हें विश्वास भी है कि कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा। उनका क्या कुछ कहना, यानी नरेंद्र सिंह वर्मा आई इंडिया के माध्यम से क्या कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। नहीं, संगठन अलग चीज है और सरकार अलग चीज है। सरकार एक अध्यादेश लाई है, 2 वर्ष तक कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा और अगर अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष बाद आएगा तो 2/3 से होगा। निश्चित तौर पर यह इसलिए हो रहा है कि जनरल चुनाव में धनबल, बाहुबल और सत्ता के लालच, सत्ता के दबाव से जिला पंचायत चेयरमैन और ब्लॉक प्रमुख चुने गए। अब वहाँ पर बगावत हो रही है प्रदेश में, कई जगह हम तो विपक्ष में, कई जगह सत्ता पक्ष के जिला पंचायत चेयरमैन ब्लॉक प्रमुखों के खिलाफ ही अविश्वास आया है, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार अध्यादेश लाई है। तो आपने सुना, ये समाजवादी पार्टी की ओर से जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं नरेंद्र सिंह वर्मा, वो अपना पक्ष रख रहे थे। अब हम आपको बता दें कि जैसे ही नतीजे यहाँ के आएंगे, नतीजे तो आज नहीं आने हैं, जैसे ही मतदान संपन्न होगा, कितने सदस्यों ने मतदान किया है, क्या कुछ गतिविधि रही है, पूरी तरीके से आई इंडिया उस पर नजरें गड़ाए हुए है। 2 बजे के बाद फिर एक बार आई इंडिया आपको दोनों ब्लॉकों की अपडेट देगा। और आपको बता दें, लगातार आई इंडिया दोनों ब्लॉक प्रमुख के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक हो रही है, उस पर नजरें गड़ाए हुए हैं। आयुष, आखिर में संक्षेप में ये जानना चाहेंगे कि महमूदाबाद में कुल कितने बीडीसी सदस्य हैं और कितने बीडीसी सदस्यों ने आज बैठक में प्रतिभाग किया है, और पहला में कुल कितने बीडीसी सदस्य हैं और कितने बीडीसी सदस्यों ने आज बैठक में प्रतिभाग किया है। जी, मैं आपको बताऊं तो महमूदाबाद ब्लॉक में 83 बीडीसी सदस्य हैं, जिसमें से 68 बीडीसी सदस्य मीटिंग हॉल में मौजूद बताए जा रहे हैं, जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। इसी तरह पहला में अगर बात करें तो 95 बीडीसी सदस्य हैं, जिसमें से 67 बीडीसी सदस्य मीटिंग हॉल में, जो जानकारी निकल के आ रही है कि 67 बीडीसी सदस्य ब्लॉक मुख्यालय की जो मीटिंग हॉल है उसमें मौजूद हैं और वो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, ये हालात हैं और जैसे ही मतदान होगा, चूंकि मतगणना नहीं हो सकती है हाईकोर्ट के अग्रिम आदेशों तक, उस दौरान भी हम आपसे एक बार फिर जुड़ेंगे, आप तक वहां की महत्वपूर्ण जानकारियों को पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल महमूदाबाद और पहला में सब कुछ अभी तक शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, बैठक चल रही है, प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी बराबर भ्रमणशील है, निगरानी गड़ाए हुए है। जैसे ही अगली जानकारी आती है, फिर एक बार आई इंडिया आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। तो देखते रहिए आई इंडिया। आयुष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।